एक लेडी हमारे पास में आई और हमने उनको हाथ लगा दिया जैसे बाकी पेशेंट को हम हाथ लगाते हैं। तो वो 2 मिनट तक उनके हाथ की तरफ देखती रही और वो रोने लगी। उन्होंने कहा, अब मैं मेरी बेटी के बाल बना सकती हूँ। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और उसका असर देखते हैं कि वो इंसान की खुशी उसके चेहरे पर दिख रही है, वो ऐसा होता है कि शायद आपको भगवान मिल गए। मेरी एक्सपेक्टेशंस के काफ़ी उल्टा था इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि मुझे लगता था वहाँ पे वो आविष्कार होगा, उसकी बातें होंगी, पर ना वहाँ आविष्कार था ना उसकी बातें थी। बात सिर्फ एक थी कि आप वो 40 नंबर कैसे लाएंगे, आपको एग्ज़ाम कैसे पास करनी है और आपको जॉब कैसे मिलेगी। तब तक कुछ दिमाग में था ही नहीं कि मेरे को लोगों के लिए कुछ बनाना है या करना है, मेरे को तो अपना प्रोजेक्ट करना है। जिस इंसान को मैं पहली बार मिला वो एक छोटी सी बच्ची थी, 7 साल की, बचपन से दोनों हाथ में थी। बस मेरे को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने एक कंपनी को अप्रोच किया और कहा कि एक बच्ची है, उसके लिए 2 हाथ चाहिए। उस कंपनी ने अगले दिन मुझे 24 लाख रुपये मांगे। तो सोचा और ढूंढता हूँ ऐसे कितने लोग हैं जिसको ऐसे हाथ की ज़रूरत है। तो इंडिया में सिर्फ हर साल 40,000 से भी ज़्यादा लोगों के हाथ कटते हैं और 85% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। रीज़न, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मन में लगा कि शायद ये वो चीज़ है जो मुझे वो आंसर दे दे कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। हमने एक ऐसा हाथ बनाया जो कहीं भी और किसी को भी इजीली लग सके। आज कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे हाथ की बहुत ज़रूरत होगी। हम गांव-गांव जा के ऐसे लोगों को मदद दे सकते हैं, उनको वो हाथ दे के उसको उम्मीद दे सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कुछ कर सकते हो, और उन तक पहुंचने के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है।